प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश में होने वाली चुनावी सभाओं में बदलाव हुआ है। जी हां, पीएम मोदी अब 3 मई को सीकर में भी भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले पीएम मोदी की 3 मई को दो ही सभाएं प्रस्तावित थी, लेकिन अब पीएम मोदी 1 मई को जयपुर और 3 मई को करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के हिंडौन, सीकर और बीकानेर में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। शाह का जयपुर में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम रद्द हो गया है। शाह मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे दौसा पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पहले शाह का जयपुर में रात्रि प्रवास और 30 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी। इस चरण में प्रधानमंत्री जी की जो प्रस्तावित सभाएं हैं उसमें 1 मई को सायंकाल जयपुर में जो प्रदर्शनी मैदान है बीटी रोड मानसरोवर, उसमें उनकी शाम को सभा होगी। दूसरा कार्यक्रम 3 लोकसभा क्षेत्रों में उनका होगा। सबसे पहले ये 3 मई को प्रचार के आखिरी चरण में 3 मई को धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र के हिंडौन में आम सभा होगी सुबह। आपको बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह के चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, पीएम अब सीकर में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अब 3 मई को होगी सीकर में पीएम मोदी की जनसभा, बदलाव किया गया है। आपको बता रहे हैं, अमित शाह का रात्रि प्रवास का कार्यक्रम भी रद्द हो चुका है। पीएम मोदी और अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पीएम मोदी और अमित शाह के चुनावी कार्यक्रमों में ये बदलाव, आपको बता रहे हैं, पीएम अब सीकर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरुका फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी पिंटू, बताएं क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ अपडेट? पिंटू बताएं क्या कुछ बदलाव किया गया है कार्यक्रम में? देखिए लविना, बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो यहाँ पर दो सभा, दो दिन के प्रवास कार्यक्रम रखा गया था राजस्थान में, एक तो 1 मई को राजधानी जयपुर में उनकी बीटी रोड पर सभा होनी है, उसके बाद में 3 मई को एक करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में हिंडौन में उनकी सभा थी, उसके पश्चात बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में उनकी सभा थी। लेकिन उसके बाद में अब एक बदलाव हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि सीकर भाजपा से लगातार ये डिमांड रही थी कि पीएम मोदी की सभा एक सीकर में होनी चाहिए। उसके बाद में प्रदेश भाजपा ने पीएमओ को लिखा था कि एक और सभा यहाँ पर प्रदेश में दी जाए। उसके बाद में अब सीकर में भी प्रधानमंत्री मोदी की सभा होगी, सुमेधानंद सरस्वती के लिए वो यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि जो फाइट यहाँ पर नजर आ रही है सीकर में से सुभाष महरिया और सुमेधानंद सरस्वती के बीच में, उसको देखते हुए यहाँ पर एक सभा रखी गई है। तो यूं कहें कि जो दो दिन का जो प्रवास का कार्यक्रम था वो अब इसमें एक सभा बढ़ाई गई है, क्योंकि 1 मई को पहले वो शाम को वीटी रोड में सभा को संबोधित करेंगे जयपुर राजधानी में, और उसके बाद 3 मई को फिर वो जो उनका सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में हिंडौन सिटी में एक सभा को संबोधित करेंगे, फिर वहां से सीधे सीकर पहुंचेंगे, और सीकर में सभा संबोधित करने के बाद में उनकी सरकार के जो मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, उनकी भी वहां पर काफी स्थिति टक्कर वाली लग रही है, क्योंकि जो बीजेपी के बागी है देवी सिंह भाटी वो वहां पर उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो जो ऐसी सीटें उलझी हुई नजर आ रही है वहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं की डिमांड हुई थी, और अचानक ये बदलाव किया गया है। पहले कोई बदलाव नहीं था, सीकर में सभा का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन एकाएक यहाँ से सभा की अनुमति वहां से मिली और आप प्रधानमंत्री सीकर में सभा को संबोधित करेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि अमित शाह का आज रात्रि प्रवास का कार्यक्रम था राजधानी जयपुर में, और कल सुबह एक पत्रकार वार्ता यहाँ पर प्रस्तावित थी, लेकिन ये जो दोनों प्रस्तावित कार्यक्रम थे वो रद्द हो गए हैं। अब अमित शाह आज यहाँ पर नहीं आएंगे और ना ही कल पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। अमित शाह कल दिल्ली से सीधे दौसा में जाएंगे, जहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद में अलवर में जो कोर्ट कासिम है वहां के बीवी रानी क्षेत्र में सभा को संबोधित करेंगे, उसके पता वो सीधे भरतपुर में लोहागढ़ जो स्टेडियम है वहां पर भाजपा प्रत्याशी रंजिता कोहली के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। जी लवीना। जी पिंटू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरुका, जो अमित शाह और पीएम मोदी के कार्यक्रम में जो बदलाव है उसकी अपडेट दे रहे थे।